हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सिक्स पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने किस किस चीज़ में एप्लीकेशन पढ़ी कंप्यूटर की? हमने पढ़ी स्कूल में, पढ़ी हमने घर पे, पढ़ी हमने मेडिकल फील्ड में, पढ़ी फिर हमने एंटरटेनमेंट फील्ड में, पढ़ी बैंक में, पढ़ी फिर मैंने आपको एटीएम मशीन के बारे में बताया था कैसे एटीएम मशीन काम करती है, और आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपको एटीएम मशीन ड्रॉ भी करनी है। उसके बाद हमने लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था। अब जो नया टॉपिक, नई एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर की, वो है डिफेंस में। आप जानते हैं डिफेंस क्या होता है? डिफेंस क्या होता है? हमारी एक डिफेंस की मिनिस्ट्री है, ठीक है। डिफेंस क्या होता है? जो भी हमारा, अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो भी लोग हमारे देश की क्या करते हैं, बाकी देश के विरुद्ध खड़े रहते हैं, सैनिक जो होते हैं हमारे, ये जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारे क्या हैं? डिफेंस में। जो बाहर के हमले से हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग डिफेंस में होते हैं, जैसे सोल्जर्स होते हैं ये, तो ये सब किस में आते हैं? डिफेंस में। तो डिफेंस में कंप्यूटर हमें कैसे हेल्प करता है? बहुत सारे काम के लिए ये यूज़ करता है। टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मैनी वेपन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि अब तलवार वगैरह तो नहीं होती है, ठीक है। पहले आपने देखा होगा महाभारत वगैरह, पहले तलवार, इंद्रधनुष, धनुष ये सब होता था, तलवार होती थी। अब क्या होता है? अब नए नए वेपन्स होते हैं। मिसाइल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कैसे होता है? ये खुद थोड़ी ना उड़ता है। कैसे होता है? कंप्यूटर इनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा टीवी में सैटेलाइट्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, इन सबको कंट्रोल ही हेल्प करता है। टू फ्लाई द वॉर प्लेन्स, टू फ्लाई द वॉर प्लेन्स क्या करता है? हेल्प करता है। प्लेन्स है ये, टू फ्लाई द वॉर प्लेन्स, यानी जो लड़ाई वाले प्लेन्स होते हैं उनको फ्लाई करने में, और टारगेट एनिमी, वहाँ टारगेट करना कि जहाँ पर हमारा दुश्मन है उनको हेल्प करने में भी, उनको करने में भी कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है। फॉर ऑपरेटिंग द सिक्योरिटी सिस्टम, पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा, ठीक है, कि ऐसे कोई हमारे देश में नहीं घुस सकता है, तो उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। दे आर यूज इन कम्युनिकेशन एंड सर्विलियंस। कम्युनिकेशन क्या होता है? कि बाहर से बात करने के लिए एक कम्युनिकेशन, और सर्विलियंस यानी क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कभी कभी किसी दुकान पे लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलियंस, क्या होता है? निगरानी रखना, ठीक है, ताकि कोई बाहर से आपके देश में ना आ पाए। तो ये पूरा का पूरा पूरी इस सभी चीज़ों में कौन हेल्प करता है? कंप्यूटर। टू स्पाई ऑन एनिमी, स्पाई क्या होता है? जासूसी करना एनिमी पे, कि वो कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हमारे देश के खिलाफ, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। तो इन सब में भी आपने देखा होगा छोटे छोटे ड्रोन्स आप देखेंगे, स्पेलिंग होती है DRONES। आप ये जाके वर्ड को गूगल करेंगे और देखेंगे ड्रोन्स। आजकल ड्रोन्स इन चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए हैं, देखेंगे आप क्या होता है। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब हम पढ़ेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर कैसे यूज़ होते हैं। कंप्यूटर हैव मैनी यूजेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्चिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑन द इंटरनेट। सबसे पहले आपको कुछ भी सर्च करना है, ठीक है, कुछ भी आप गूगल पे सिर्फ एक वर्ड लिखिए तो कुछ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट, हमें स्पेसक्राफ्ट भेजने हैं, रॉकेट भेजने हैं, इन सब में काम आता है। स्पेस इक्विपमेंट्स बनाने में काम आता है। एयर ट्रैफिक को कंट्रोल, अब आपने देखा होगा आजकल रोड पे एयर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, जो रेड लाइट है अपने आप कैसे रेड होती है, अपने आप कैसे येलो होती है, अपने आप कैसे ग्रीन होती है, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर इन्हें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फॉर टेस्टिंग वेरियस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने में, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली कुछ भी बनाते हैं इंसानों पे तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें कंप्यूटर की हेल्प से भी देखी जाती है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करने में भी, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैं, आपको क्या करना है, चार तरीके बताने हैं जो डिफेंस में, अभी मैंने आपको बताया था डिफेंस क्या होता है, ठीक है, डिफेंस में चार तरीके बताने हैं जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।